हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन में भारत ने 1961 से 2020 तक 11 मिलियन टन से 107 मिलियन टन के ऊपर अपना प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया है, और बाकी देशों ने भी गेहूं के उत्पादन में कितना कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और भारत की रैंकिंग कैसे धीरे धीरे सुधारती गई है। हम सब जानते हैं कि 1966 के बाद जब हरित क्रांति आई, तब हमने गेहूं की जो ऊंचाई थी उसको कम करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया। पहले जो हमारा गेहूँ था वो ऊंचा था, उसके बाद हमने उसकी हाइट कम करके फर्टिलाइज़र और पानी का योग्य इस्तेमाल करके हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया। पहले हमारी रैंक 7वीं 8वीं रहती थी और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत कम था, जो 10 मिलियन टन के आसपास रहता था। उसके बाद जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हमारी रैंकिंग 7वें से 6 छठे पे आ गई। उसके बाद 1968 और 67 के आसपास 5th रैंक पे हम पहुंच गए। आप देखिए, चाइना भी उस टाइम पे 3rd रैंक पे था और हम 4th रैंक पे थे 1969 में। उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने और इंडिया ने अपने देश में नई नई वैरायटीज़ को रिलीज़ करके अपना उत्पादन बढ़ाया। रैंकिंग में आप देख रहे होंगे कि शुरू से अभी तक सोवियत यूनियन जो है वो 1st रैंकिंग पे है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, 3rd पे चाइना है, और 1969 में इंडिया की रैंकिंग 4th हो चुकी है। लेकिन चाइना ने अपनी तकनीक को सुधार करके अपने प्रोडक्शन में बड़ी मात्रा में इंक्रीज़ करके वह 1978 में 2nd पे आ गया। हमारा इंडिया तब भी 34 मिलियंस के आसपास प्रोडक्शन करता था और चाइना का 60 के आसपास चला गया। उसके बाद आप देखिए, फिर यूनाइटेड स्टेट का प्रोडक्शन बढ़ गया, वो अगेन 2nd स्टेज पोजीशन पे चला गया और चाइना 3rd पे आ गया। इंडिया का पोजीशन वो 4th ही रहा। उसके बाद फिर 1982 में चाइना 2nd से लेके फिर 1st पे आ गया, और उसके बाद चाइना ने अपनी 1st पोजीशन कभी नहीं छोड़ी। आप देखोगे कि उसके बाद सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट, इनमें रैंकिंग कभी पहले कभी सॉरी कभी 2nd कभी 3rd होती गई, और इंडिया ने तब तक 1986 तक हमारा प्रोडक्शन जो है 44 मिलियन के आसपास हो गया। और फिर हमने और नई उपजातियों को रिलीज़ करके हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ा के हम आप देख रहे हैं कि 1989 में हम 50 के आसपास पहुँचे हैं। इंडिया ने फिर ऐसी उपजातियों को रिलीज़ किया है कि जो वेस्ट बंगाल या आदि राज्यों में जहाँ व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होता था, वहाँ भी व्हीट का प्रोडक्शन हो सके। और उसके बाद हम 1990 के आसपास 3rd पोजीशन पे आ गए, और फिर हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के 1994 में हमने 2nd पोजीशन ले ली, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया, और चाइना जो है वो रिमेन 1st पोजीशन पे ही रहा। आप देख रहे हैं कि उसके बाद कभी यूनाइटेड स्टेट की पोजीशन 2nd रही, कभी इंडिया की रही। तब तक चाइना का जो प्रोडक्शन है वह 100 मिलियन टन के ऊपर चला गया है, और 2000 में हमारा प्रोडक्शन 70 मिलियन टन से 75 मिलियन टन के बीच में ही रहा। और उसके बाद हमने हमारी 2nd पोजीशन कभी नहीं छोड़ी, और हमारा प्रोडक्शन जो है वो धीरे 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 बढ़ता ही गया। कभी हम अगर बारिश अच्छी नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन कभी कम होता रहा, कभी ज़्यादा होता रहा, लेकिन जो हम 2nd रैंकिंग में है वह आज भी 2nd ही है, और चाइना
फर्स्ट पे ही है। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने अपनी उपजातियों में RHT1 और RHT2 ये दो जीन्स को ट्रांसफ़र करके प्लांट हाइट को रिड्यूस कर दिया और हमारी नई उपजातियों को रिलीज़ किया। इस कार्य के लिए इंडिया में MS स्वामीनाथन ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है और इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब नई उपजातियों रिलीज़ करने के बाद हमारे जो वीट है उसका हाइट रिड्यूस हो गया और इसके कारण हम उसमें खाद और पानी की मात्रा बढ़ाकर हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते गए। अब देख रहे हैं कि 2015 में हम लगभग 94-95 मिलियन टन्स के आसपास पहुंच गए हैं और 2020 तक हमने हमारा प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते 107 मिलियन टन्स भी क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद।